हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रखते हो गाइस। जो आज मैं डाटा के लिए गई गाइस सुपर हीरोज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 फॉर आर बाय मी इवन। सो इसी की यार रिव्यू वीडियो होगी जो आपके सुपर हीरोज वो है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। अभी तक ठीक ठाक लगी है बट स्टिल यार अभी मेरे हिसाब से मुझे इतनी कैसे स्टेबल लगी है। रीज़न भी आपको बताऊँ, थोड़े इसमें बग्स ऑब्वियसली होंगे। फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है सुपर हीरोज का बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, तो ये सारी चीज़ें तो बस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि भाई बग्स तो ऑब्वियसली लॉजिक है कि स्क्रीन कास्ट एक्सेट्रा सारे आपको ये बग्स इसमें मिलेंगे। सो वीडियो को कैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो फॉरवर्ड भाई अवार्ड सेक्शन यहाँ पे चल लेते हैं। जैसे तो भाई सुपर हीरोज डिवाइस ऑब्वियसली टीसॉर्ट एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे भाई एंड्रॉइड 11 आपको मिल जाती है। नेट सिक्योरिटी भाई अब तो चलो ये लेटेस्ट वैसे 5 सितंबर का है, वो तो बाद में भी ऑब्वियसली आपको अपडेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आकलन वर्जन भी आपका 4.9 है, प्रो प्लस का जो ऑप्शन मोड का 237 है। लिनक्स स्टेटस प्रमिसिव है पर आप इन्फोर्सिंग भी उसको कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रूट एक्सेस ही होगा। सो समझ जाओ तो ये आपका अबाउट सेक्शन होगा। अब अबाउट गाइस हम बात करते हैं ऊपर स्टेटस बारे। देखो यार यहाँ पे आपका वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट DND फ्लैशलाइट सब कुछ यहाँ पे आपका इसमें वर्किंग, कोई ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं। बट अब इधर बात आती है कि भाई स्क्रीन कास्ट वर्किंग है कि नहीं। भाई स्क्रीन कास्ट इसमें टोटली ब्रोकन है। स्क्रीन कास्ट सिर्फ एक ही रोम में वर्किंग है, वो आपके रोम है येट अनदर AOSP प्रोजेक्ट, जो जिसे मैं कह सकता हूँ या जो मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी येट अनदर AOSP प्रोजेक्ट की, उसमें आपका स्क्रीन कास्ट वर्किंग है। बट इस वाली रोम में आपका स्क्रीन कास्ट यहाँ पे गाइस इसका वर्किंग नहीं है। और यहाँ पे हाँ मोबाइल डेटा हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, तो अगर आप कोई यूज़ कनेक्ट कर सकते हो इधर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं है। बट स्क्रीन कास्ट आपका यहाँ पे टोटली ब्रोकन हो रखा है। लोकेशन हॉटस्पॉट भी, हाँ हॉटस्पॉट भी वर्किंग है, कोई ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है। और जो आपका नेटलेट हो गया, रेट में जाते हैं। रेट में जाने के बाद नीचे आपका इन्वर्ट कलर डेटा सेवर डार्क थी मेरे, तो आपकी सारी चीज़ें इधर वर्किंग है। डक्स एंड इंस्टर आपको मिलता है भाई आपको शॉमी पार्ट्स में, बट आपको हाँ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी इधर आपको मिल जाती है। और नीचे आपका भाई FPS इन्फो ओवरले हो गया, नेट्स ऑल इधर आपके हो गए QS स्टाइल्स अगर हम बात करें तो। अफोर्ड के हम बात करते हैं इसके बेंच मार्क्स की, जो टोटली भाई अभी इतने खास नहीं है। आपको मैं खुद दिखाता हूँ, जिसका गीक बेंच 5 है ये रहा भाई, इसका गीक बेंच 5 बहुत कम है। वो तो मानता हूँ होगा यार, फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, मैं ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते भाई क्योंकि ये दूसरा तीसरा चौथा अपडेट नहीं है, ये फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, वो भी एंड्रॉइड 11 का ऑन आर मियन। सो इतना तो भाई एक्सेप्ट कर सकते हो कि बहुत परफॉर्मेंस इसको आप इसमें आपको कम दिखेगी। सिंगल स्कोर 169 है, मल्टी स्कोर गाइस आपका इसमें 963 है, जो 1000 से भी नीचे है। मानता हूँ गाइस ये सिर्फ बेंचमार्क्स है, स्कोर्स है, ये सब कुछ डिसाइड नहीं करते कि रोम कैसी परफॉर्म करेगी, रोम का बैटरी बैकअप कैसा, ऐसा कुछ नहीं। बट स्टिल थोड़ा बहुत गाइस हिंट आपको दे देते हैं। सो ये आपके बेंचमार्क्स हो गए। अब फट गाइस हम बात कर लेते हैं आपका जो उसके मैरिज का, कि भाई सीरियल फाइल यहाँ पे आपके पास हो रही नहीं हो रही है, जो आपका सेव नेट स्टेटस है कहने का मीनिंग है। सो सबसे पहले आपने करना, अगर आपकी नहीं हो रही है भाई अपने सेटिंग में जाना है, आप देख सकते हो मैच खाइड आपको करना पड़ेगा। बैंकिंग ऐप्स के लिए आपको मैच खाइड मैनेजर है उसको आपको रीनेम करना पड़ेगा ये रहा, तो उसको कोई भी ऐप रीनेम कर दो, मतलब कोई भी उधर लिख दो, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो, रीनेम कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको बैंक ऐप्स ही है वैसे आप मैच खाइड में यहाँ पर कर सकते हो, और जो आपकी सेव नेट है मतलब सीरियल फाइल है वो इधर आपकी ट्रू चली जाएगी। अभी आप देख लो भाई यहाँ पे आपकी बेसिक इंटीग्रिटी भी और आपकी सीरियल फाइल भी। सो गाइस आप देख सकते हो जो आपकी बेसिक इंटीग्रिटी वो भी यहाँ पे आपके पास है मतलब ट्रू है, और सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका मतलब जैसे सीरियल फाइल और वो क्या बोलते हैं बेसिक इंटीग्रिटी ट्रू नहीं जा रहे, तो भाई मैच हाइड कर लेना, वो उधर फिक्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें जो सबसे बड़ी जो 3-4 प्रॉब्लम है। एक तो चलो आपका स्क्रीन कास्ट हो गया, अब हम फटाफट चल लेते हैं। हाँ यूट्यूब वैसे तो सब कुछ आपका वर्किंग, कोई ऐसी इसमें स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, बट शायद इसमें आपका गाइस डॉल्बी वर्किंग नहीं है। मैं एक बार इसमें ट्राई करके देखा था, थोड़ा मुझे भाई क्रैश हुआ था, तो उस पर भी एक अलग से आपको वीडियो मिलेगी, कोई मतलब ऑप्शन आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा उसका उस वीडियो में। तो इधर भाई इंटरनेट नेटवर्क इंटरनेट वो तो भाई यहाँ पे आपका स्क्रीन कास्ट ब्रोकन है। इसमें कनेक्टेड डिवाइस हाँ सुपीरियर गुडीज यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो अलग से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन उस पर भी हम आएंगे। तो इधर भाई आपका ऐप से नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। हाँ बैटरी सेक्शन चलते भाई आपका बैटरी शेयर बैटरी मैनेजर बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल रखना, तो भाई इसको यहाँ पे आप रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। और हाँ डिस्प्ले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे भाई आपका डार्क थीम कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर एक चीज़ एक और इसमें ब्रोकन हो रखी है, वो है आपका स्टाइल एंड वॉलपेपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे सीधा आपका क्रैश होगी। दोबारा क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर कीप स्टॉपिंग, वही आपका क्रैश हो रही है, जो टोटली मतलब इसमें दिक्कत है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की। वो तो पोको फैन के भी बिल्ड्स में थी जब वो फर्स्ट इनिशियल बिल्ड आउट हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ एंड्रॉइड 11, तो उनमें भी ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम थी। बट अपडेट्स आते रहे, एक वो तो सेकंड अपडेट में ये चीज़ फिक्स होगी, तो डेवलपर इंप्लीमेंट कर देंगे इसको, वो कोई इतना मेजर दिक्कत नहीं, ये नेक्स्ट अपडेट में आपकी जो चीज़ फिक्स हो जाएगी। बट जो करंट मतलब बग तो अभी इस अपडेट में गाइज ये माना जाएगा। हाँ जब भी अपकमिंग अपडेट आएगा उसमें ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, वो आई एग्री। बट इसमें हाँ जो आपका दूसरा बग है वो आपको हो जाता है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स का, जो टोटली इसमें ब्रोकन है, मतलब ब्रोकन
ब्रोकन तो नहीं कहूँगा, क्रैश हो रहा है कहने का मीनिंग है। और स्क्रीन टाइम और टॉट रोटेशन ये तो इधर आपको कोई दिक्कत नहीं है, टैप टू वेग यू वर्किंग है, डिस्प्ले कटआउट इधर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम डिस्प्ले सेक्शन की बात करें, साउंड्स में जाओगे तो भाई यहाँ पे आपका आपको शायद इसमें वाइपर भी वर्किंग नहीं है, बट मैंने ट्राई करा था बट मुझे भी क्रैश हो रहा था भाई वाइपर की। अगर बात करूँ तो उस पर भी आप मेरे वाला मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, हाउ टू इंस्टॉल वाइपर ऑन एनी एंड्रॉइड 11 रोम, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको फॉलो करके भाई आप वाइपर इंस्टॉल कर सकते हो। थोड़ा अलग अल्टरनेटिव मेथड है तो वर्किंग होगा, वो क्रैश नहीं होगा कहने का मीनिंग है। और साउंड इधर आपको कोई स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक इनहेंसर आपको नहीं मिलता, वो आप फिर भाई यू आई मीन यूट्यूब आई वाइपर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो डॉल्बी भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। जो डिस्प्ले साउंड सेक्शन स्टोरेज प्राइवेसी सिक्योरिटी में देगा, सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे भाई फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है तो अभी आपको क्या नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक का भी आपको मिलेगा नहीं। तो अगर फिंगरप्रिंट की स्पीड की बात करें जो मुझे ओवरऑल भाई ठीक लगी, डिसेंट है, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं है, इफिशेंट नहीं है, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ ओके, आपको देख सकते हो ठीक है, हल्का सा टच करा इधर आपका ओपन हो गया ओके। अगर आप फिंगरप्रिंट की स्पीड की बात करूँ तो सिक्योरिटी आपका डेन अकाउंट एक्सेसिबिलिटी डिटेल वेलबिंग गूगल शॉमी पार्ट्स में आते हैं। हाँ यहाँ पे आपका म्यूस ऑन एंसर वर्किंग है, FPS ओवरले यहाँ पे आपका वर्किंग, कोई ऐसी स्पेसिफिक हमें दिक्कत नहीं है इसमें। डिस्प्ले कैलिब्रेशन हाँ, एम्बेंट डिस्प्ले कैशर्स में जाओगे आपका यहाँ पे पिकअप भी वर्किंग आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भाई आपका नीचे रखा आप देख सकते हो, आपका पिकअप भी यहाँ पे आपका वर्किंग, कोई ऐसी स्पेसिफिक इसमें दिक्कत नहीं आई है। हैंड वेव पिकअप पॉकेट प्रॉक्सिमिटी वेक हैप्टिक फीडबैक दोनों, ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है। एम्बेंट डिस्प्ले वाले सेक्शन में कोई चीज़ यहाँ पे आपकी ब्रोकन नहीं है कहने का नहीं है। और नीचे आपका सेटन बूट हाँ, अगर आपको सेटिंग स्टेटस चेंज करना तो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट वो होगा नहीं, वो परमिसिव पे ही रहेगा, चाहे जितने भी उसको इनेबल डिसेबल करो, जैसे आप फोन को रिबूट करोगे दोबारा वो इन्फोर्सिंग से परमिसिव में आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको भाई परमिसिव पे रखो, ठीक है। तो अभी वो अपकमिंग अपडेट्स में चीज़ें फिक्स हुई थी। शॉमी पार्ट्स इधर आपका होगा, सिस्टम में चलते, सिस्टम में जाने के बाद गेस्चर्स में आते गए, इस वाले बिल्ड में मुझे एक और प्रॉब्लम दिखी है कि आपको इसमें जो आपका नेविगेशन बार है, जो यहाँ पे आपके नेविगेशन बार मिलते हैं, वो इधर है ही नहीं इसमें। सिस्टम नेविगेशन अगर हम सिस्टम नेविगेशन में आएंगे, यहाँ पे आपको तो गेस्चर नेविगेशन हो गया, थ्री बटन नेविगेशन हो गया, टू बटन नेविगेशन भी यहाँ पे नहीं है, वो तो और अपकमिंग अपडेट्स में ये चीज़ भी फिक्स हो जाएगी। बट इस वाले अपडेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ आपको दो सिस्टम नेविगेशन ही मिलेंगे, आपका गेस्टर नेविगेशन होगा, दूसरा आपको होगा थ्री बटन नेविगेशन, जो आपकी हार्डवेयर चीज़ है कहने का मीनिंग है। बट जो नेविगेशन बार होता है ना, समझ गए होगे, वो इसमें नहीं है, टोटली ही नहीं है, इसमें कोई अलग से ऑप्शन भी नहीं है इवन, वो आपको दिखाऊंगा। कस्टमाइजेशन में भी कोई ऑप्शन अलग से आपको नहीं मिलता। और जरा आपके गेस्टर वही सेम ही है, क्विकली ओपन कैमरा स्वाइप फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन, ये आपका वही सेम ही है। और तो भाई बैकअप रीसेट मल्टीपल यूज़र और डेल प्रोशन सिस्टम अपडेट, ये तो अभी आपको इधर नहीं मिलेगा, आपको जिप के थ्रू ही अपडेट करना पड़ेगा ये डेट्स। और अब फ्रेंड हम गए सब बात करते हैं सुपर जो गुडिक से अलग से आपको ऑप्शन मिलता है, ये तो सबसे पहले भी आपको अबाउट प्रोजेक्ट हो गया, कौन कौन डेवलपर है, स्टेटस बारे में, स्टेटस बारे में आने के बाद स्टेटस आइटम्स हो गए, जो भी यहाँ पे आपको इनेबल डिसेबल करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग चलते हैं, ये तो आपका वाइब्रेट ऑन टच, मतलब जैसे आप कोई क्विक स्टाइल्स को, मतलब जैसे हम वाईफाई को इनेबल डिसेबल करते हैं तो हल्का सा आपको यहाँ पे पीछे वाइब्रेट होगा, तो वो तो आपको अगर इनेबल डिसेबल रखना है तो आप रख सकते हो, जैसे वाइब्रेट वन टचिंग क्यू स्टाइल्स मैंने करंटली इनेबल कर रखा है, जो मुझे सही चीज़ लगी है। और बटन वाले सेक्शन होते, बटन वाले सेक्शन में जाने के बाद आपका यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स जो भी आपको सेट करने से आपका फ़ोन, मतलब आपने ऑफ कर रखा है, अगर आपको फ़ोन को इनेबल करना है बाय टैपिंग वॉल्यूम रॉकर्स, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये सब तो आपका फोन में, ये मैंने वॉल्यूम को, मतलब जो आपके वॉल्यूम बटन से उनको मैंने प्रेस करा है और आपका फ़ोन ऑन हो गया, तो ये स्कैन का मीनिंग है, तो इसको भी मैंने इनेबल कर रखा है, मुझे थोड़ा फीचर ठीक ठाक लगा, ये तो भाई प्रीवियस भी था। और नीचे आपके डिस्प्ले कीज़ इनेबल, बैक लाइट डिस्प्ले आपकी हार्डवेयर कीज़ इनेबल, बैक लाइट अगर हम बात करें, इधर आपको कोई नेविगेशन बार का ऑप्शन नहीं मिलता कि इसको कैसे इनेबल करना है, अभी कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो एक और एक चीज़ मुझे इस वाली बिल्ड में प्रॉब्लम लगी। और तो यहाँ पे आपका इसमें एक और मुझे दिक्कत है कि भाई फ़ोन बहुत लेट चार्ज हो रहा है, मतलब बहुत स्लो चार्ज हो रहा है कहने का मीनिंग है। सो भाई प्रॉब्लम्स तो यार इस बिल्ड में बहुत आपको दिखेगी। और तो नीचे आपका भाई वही सेम ही है, बटन्स की आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी। हाँ डेट्स ऑल, ये आपका बटन्स वाले सेक्शन। नेविगेशन बार में जाओगे, ये भी आपको क्रैश हो रहा है। हाँ ये भी आपको दिक्कत है, जैसे मतलब क्योंकि आप क्रैश तो हो गई कॉस, अगर आप नेविगेशन बार इस रोम में नहीं है, और जैसे अगर हम लेआउट चेंज करते हैं, आप देख सकते हो, ये दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आपका सिस्टम जो है कीप स्टॉपिंग, वही आपको क्रैश हो रहा है। ये भी अगर हम नेविगेशन बार वाले ऑप्शन में चलते हैं तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपकी क्रैश हो रही है, कॉस आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन ही नहीं मिलता है उसको इनेबल करने का, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली क्रैश होएगी। और गेस्चर सेशन में चलते हुए आप इधर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉक स्क्रीन कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, लिमिट अभी कस्टमाइजेशन इसमें पूरी नहीं आई है, जो सुपर ओएस एंड्रॉयड 10 में थी इसमें अभी टोटल नहीं है।
अगर मैं और डिवाइस की बात करूँ, पावर मेन्यू, नोटिफिकेशन, वाइब्रेट ऑन, कनेक्टिव ऐप का जो भी करना है, मिर्क्स में जाओगे तो आपको वेक अप ऑन चार्ज और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, डेट्स ऑल, या आपके कस्टमाइजेशन हो गए। ओवरऑल मुझे गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अभी आप रुक जाओ, अगर आपको ये रोम यूज़ करी तो लिटिल बिट इसमें लैग भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटली भाई बहुत ओपनिंग है, मतलब एक स्पेसिफिक ऐप का टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल थोड़ा गाइस इसमें आपको लैग, लैग थोड़ा इसमें आपको दिखेगा, कहने का मीनिंग है। परफॉर्मेंस कोई बात नहीं करूँ, बिकॉज गेमिंग्स पे टोटली अभी सूटेबल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बैटरी बैकअप मुझे ओवरऑल ठीक लगी, बट स्टिल थोड़ी ज़्यादा भी ड्रेन हो रही है। वो तो फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, थोड़े अपडेट्स निकलेंगे, दो तीन तीन अपडेट्स आएंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भाई आपकी फिक्स होती है। जो आपके बग जैसे स्क्रीन कास्ट, स्टाइलर, वॉलपेपर्स, नेविगेशन बार, और आपका बैटरी बहुत स्लो चार्ज हो गया, जो आपका अगर हम चार्जिंग की टाइम की बात करें तो बहुत स्लो है। और जो आपका एक और प्रॉब्लम जो आप हो गई आपकी, जो आपके गेस्चर नेविगेशन है, जिसमें आपको टू बटन नहीं मिलते और आपको नेविगेशन बार नहीं मिलते, बहुत चीज़ें इसमें गई सभी आपको फेस होगी अगर आपको, अगर आप ये यूज़ करते हो एज ए डेली ड्राइवर ऑन योर मी एवन। सो मेरे हिसाब से अभी तो भाई एंड्रॉयड 10 की रोम स्पीड हो, या तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, येट अनदर USB प्रोजेक्ट, वो भी उसमें ठीक है, उसमें भी स्क्रीन कास्ट की सारी चीज़ें वर्किंग है, बट उसमें भी लिटिल बिट आपको गाइस लैग दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अभी रुक जाओ, थोड़े और अपडेट्स आएंगे, दो तीन अपडेट्स एक स्पेसिफिक रोम के निकल गए बेशक एंड्रॉयड 11, फिर थोड़ा गाइस चीज़ें यहाँ पे आपकी फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। रादर आपकी चॉइस है, मैंने अपनी रिकमेंडेशन आपको दे दी है, कोई भी फ़ायदा नहीं ना गेमिंग का ना बैटरी का, और चार्जिंग भी आपकी बहुत स्लो है यार। वो तो कोई बात नहीं, वो तो अपडेट्स करना थोड़ा अपस्ट्रीम होगा, अपडेट्स आएंगे, वो ये तो नॉर्मल चीज़ें फिक्स हो जाएगी। सो गाइस अगर वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को भी शेयर करना भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन योर मी एवन, इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।